शहर में जहां पर भी अवैध कब्जा किया गया है उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। विशेष शंकर पांडे अतिक्रमण हटाओ अभियान में लोगों द्वारा दिए जा रहे सहयोग की जिलाधिकारी ने की सराहना। जिलाधिकारी ने शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का लिया जायजा। हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को और गति देते हुए शुक्रवार को शहर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का जायजा लिया। जिलाधिकारी विजय शंकर पांडे सबसे पहले पुलिस कोतवाली ज्वालापुर के निकट जटवाड़ा पुल पहुंचे, जहां से उन्होंने मंडी की ओर रुख करते हुए आसपास की दुकानें जय दुर्गा प्रॉपर्टी साय इलेक्ट्रिकल्स चौराहे पर स्थित मिष्ठान भंडार होते हुए पूरे क्षेत्र का अतिक्रमण की दृष्टि से बारीकी से जायजा लेते हुए निकट न्यूतम ओसोज हॉस्पिटल के पास पहुंचे, जहां पर चौड़ी जगह होने की वजह से उन्होंने अधिकारियों को वेंडिंग जोन बनाने तथा बिजली के पोल शिफ्टिंग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि जहां पर भी अवैध कब्जा किया गया है उनसे नाप कर उसका ध्वस्तीकरण सुनिश्चित करें तथा जहां पर ध्वस्तीकरण किया जा रहा है वहां पूर्ण निर्माण का कार्य भी करते रहें और आवश्यकतानुसार जगह को देखते हुए रोड छोड़कर ग्रिल भी लगाते रहें ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो। देखिए कल बड़ा बहुत अच्छी कार्रवाई हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मिलकर की है और मंडी क्षेत्र के आसपास का अतिक्रमण काफ़ी बड़ी संख्या में हटाया गया है। आज मेरे दौरे का मुख्य पर्पस ये था कि अब अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण ना हो उसकी एक कार्ययोजना बननी चाहिए। हमारे साथ निर्माण इकाइयों के सभी अभियंतागण भी हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल से यहाँ काम प्रारंभ करेंगे और जो भी उनको अतिक्रमण न हो भविष्य में उसको ध्यान में रखकर एक परमानेंट व्यवस्था यहाँ से बनाई जाएगी। जहाँ जहाँ चौड़ा कर सकते हैं वहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण भी होगा। आगे आपने देखा होगा चौराहे पर एक स्लिप रोड भी निकाली जा रही है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि चूँकि हम लोगों का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये हर की पैड़ी कॉरिडोर, और हर की पैड़ी कॉरिडोर का मतलब केवल हर की पैड़ी तक ही सीमित नहीं है, ये एक लंबा होता है। इसके दो होते हैं, एक आउटर गार्डन होता है, एक होता है कोर एरिया। तो इस सब को ध्यान में रखकर ये किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो देश विदेश के तमाम